कुत्ता बोलता था मेरी और बंदी थी उनमें से बुश ने जो मेरी पहले की बंदी थी बुश से भी बुश ने मेरा। तो अगर ये कहें कि अपना वेट कम करने के लिए साइकिल बहुत चलानी पड़ती है तो शायद जी हाँ बहुत चलानी पड़ती है। तो फिलहाल साइकिल चलाते हैं, उसके बाद आगे ब्लॉग की बात करते हैं। ये वाली फील कुछ अलग है यार, साइकिल वाली फील कुछ अलग ही है, बाइक ठीक है बट साइकिल का मजा ही कुछ अलग है। तो आखिरकार 10 या 15 या 20 या 25 मिनट चलाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पैर बचे ही नहीं है यार, पैर खत्म हो चुके हैं। तो अभी मैं पैदल चल रहा हूँ क्योंकि कंडीशन नहीं है चलाने की यार। पहले दिन ही बैंड बज जाती है, दिन में ही आप सारा वेट तो लॉस कर नहीं सकते। सो फिलहाल टांगे बचा के ज़्यादा बेनिफिट है अपना। तो अब कल चलाएंगे, फिलहाल अब घर जाते हैं। सुबह सुबह के बाद चाय जरूरी है इसलिए चाय पीते पहले घर जाके। सो मिलते हैं ना। तो यार अगर ऐसा मौसम हो और ऐसी गर्मा गर्म चाय हो तो कुछ मजा ही अलग है। तो आप बोलोगे यार अब तक तो मौसम साफ था तो कैसा मौसम, तो मैं चाय का मजा लेता हूँ, आप तब तक टाइम लैप्स का मजा लीजिए, आपके लिए बनाया है यार। कि बाहर बारिश रुकी नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर में फोन यूज कर लेता। तो फोन यूज करते करते यार मुझे नींद आ गई और पता ही नहीं चला कि एक आधा घंटा कैसे निकल गया। और जब मैं उठा तो देखा कि बारिश रुकी हुई थी, तो घर वालों ने बोला था कि बगीचे चले जाइए वहां पे काम है, तो उस काम को कम्प्लीट करी। तो देखो यार कैसे हम उस काम को कम्प्लीट करते हैं, तो साथ में मिलकर चलते, साथ में मिलकर काम करते। उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ सामान लेना है, तो पहले काम कम्प्लीट करते फिर मार्केट वाला पार्ट देखेंगे। चलो चलो काम करते पहले। कितने पैसे ले गए थे घर से? घर से 20 रुपए। जीते कितने? 18 रुपए जीते। और अच्छा तब इतने दिहाड़ी को मैंने छोड़े क्यों? एक लड़की मार्केट में आपको लाई ना, उस लड़की को हम रोज गाली देते थे, तुम मार को लाइन तुम मार के हमारी और बंदी है। मैं वो लड़की बोलती थी नहीं मार को तुम नीचे होते है, तुम नीचे होते है और मैं किसी को नुकसान करती हूँ। अच्छा तेरे को बोलती थी तेरे दोस्तों को? मेरे को? अरे तू पसंद है? हाँ। स्मार्ट बंदे तू। कहाँ की थी? एयरपोर्ट की थी। हाँ क्या बोलती थी तू ही? हाँ। अच्छा तो बोलता था मेरी और बंदी थी मैं तुझे बुश ने जान मेरी पहले की बंदी थी बुश से भी बुश ने मेरा ब्लड टेस्ट कराया, बाद में मैंने और बंदी पाली। और बंदी प्रेग? कितने रोजन पटास तू बंदी? एक दिन में। एक दिन में नई बंदी? यार तू ऐसे जैसे फास्ट आ रहा छोटे भाई। तब क्या? तो गाइस हम ना फिलहाल ये वाला जो भी सारा वेस्ट मटेरियल मतलब कि वीट के पौधे निकल जाते हैं यहाँ पे, आपको पता ही है हिमाचल में हर मतलब हर खेत में जहाँ पे ऐसा होता ना साइड पे रखा होता वहाँ पे लग जाता है। तो आज हम इसकी कटाई कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये अच्छा नहीं होता यार, थोड़ा खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए काटना पड़ रहा है। सो काटेंगे उसके बाद मिलते हैं, तब तक आप देखिए हम तब तक इसको फिनिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा खत्म कर लिया, मतलब कि 50-60% हमने खत्म कर लिया काट के। अभी बारिश हो रही है यहाँ पे, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यार, बहुत गीले हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसके नीचे भी कितना बैठा जाए जिससे हम अपने आप को बचाएं। तो आखिरकार घर जाना ही होगा, क्यों? बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही है, घास भी गीला हो गया सारा, क्यों? इससे और ज्यादा गीले हो जाएंगे हम, क्यों? जाना चाहिए घर, है ना? ठीक है गाइस, तो घर पे जाके बात करते हैं ना, अभी यहाँ चलते।
वाह यार, मैं शायद 2 या 3 मिनट लेट हो गया और मुझे अभी याद आई कि 2 बजे के बाद मार्केट सारी बंद हो जाती है, तो कोई फायदा नहीं आने का यार। यहाँ देख सकते हैं आप, सारी मार्केट बंद हो चुकी है, सो अब घर वापसी करनी पड़ेगी। तो गाइज आखिरकार ना सामान मिल गया मुझे। तब आप बोलेंगे कि यार उस टाइम तो शॉप बंद थी, तो यार वहां पे ना एक अंकल शटर डाउन ही कर रहे थे और मुझे सामान लेने को मौका मिल गया। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने। अब मुझे भी नहीं पता क्यों बोलते एक तीर से दो निशाने, बस बोल दिया। तो फिलहाल सामान भी आ गया, गाली खाने से भी बच जाऊंगा मैं घर पे, और दूसरी बात अब और कोई काम नहीं बचा। तो ज्यादा लंबा ब्लॉग हो गया ऐसे भी, तो ब्लॉग को एंड करते और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपनी फैमिली के साथ रहिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और फिलहाल अभी मैं ऐसे ही घूमने जाऊंगा, शायद क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल लेंगे थोड़ा सा। इसको बोलते हैं खतरनाक तूफान तबाही। जब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, हर कुत्ते को खिलाऊंगा, कुत्ते जो नगेगा वो मैं खाद के बदले डालूंगा। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? मस्त।